सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अच्छे के साथ अच्छा बनी पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, और मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। पेड़ पर क्षमता से ज्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती है। इंसान को अवकाश से ज्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। आज का पंचांग 11 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात्रि 8:17 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्ष नामक नक्षत्र पूर्ण रात्रि रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:25 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर शाम 6:18 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। सूर्य नक्षत्र विशाखा। 11 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार, काम में नाकामयाबी से आप अपनी स्थिति या अपने रोजगार की जगह का मूल्यांकन कर सकती हैं। स्थायी चुनौती को अपनी छवि का नुकसान न करने दें। आय का एक और स्रोत आपका इंतजार कर रहा है। अपने अंतर ज्ञान का पालन करें और खुद को हानि पहुंचाने वाले व्यवहार से बचें। यह समय अपने मानसिक बजट का संतुलन बनाए रखने का है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना आज आपको अच्छा लगेगा। जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा वही होता है जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपको अपना परिवार। जरूरत है अपने अंदर सकारात्मक सुविचार लाने की। यह समय अपने लक्ष्य के लिए गंभीरता से कोशिश करने का है। आपको बहुत जल्दी इसका फल भी मिलेगा। आप अभी कुछ बातों के बारे में सोच रहे थे, उनको कार्यान्वित करने का समय आ गया है। आपको अपना सारा ध्यान अब इसी पर लगाना होगा। हालांकि आप इसके कारण बहुत व्यस्त रहेंगे लेकिन आपको इसका अच्छा फल भी जल्दी मिलेगा और आपकी सफलता की इच्छा भी बढ़ेगी। सुकून पाने के लिए कुछ समय मन मुताबिक कार्यों में भी व्यतीत जरूर करें। आध्यात्मिक स्थल पर भी शांति मिलेगी। अनुभवी तथा जिम्मेदार लोगों के सानिध्य में रहने से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा रहेगा। अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आवश्यकता होगी। जितनी मेहनत आपके द्वारा की जा रही है उतनी काफी नहीं है, इस बात का जल्दी एहसास होगा। काम से संबंधित गंभीरता और एकाग्रता बढ़ाएं। अपनी खूबियों और खामियों के बारे में भी सतर्क रहें। अभी का समय खुद को उत्साहित बनाए रखने के लिए है। करियर से संबंधित अवसर आसानी से प्राप्त होते रहेंगे। हर एक अवसर का फायदा उठाने की कोशिश करें। रिलेशनशिप संबंधित डर कम होने लगेगा। सेहत तकलीफ दे सकती है इसलिए चिंता का कारण नहीं होगा। दिन की शुरुआत आप योग ध्यान से कर सकती हैं। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और सारे दिन आप में ऊर्जा रहेगी। अटके हुए मामलों और खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। अच्छा आपकी दिल की धड़कनें अपने प्रिय के साथ ताल से ताल मिलती मालूम होगी। जी हाँ, यह प्यार का ही खुमार है। व्यवसायिक मीटिंग के दौरान भावुक और बड़बोले ना हों। अगर आप अपनी जबा पर काबू नहीं रखेंगे तो आप आसानी से अपनी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकती हैं। आप में से कुछ लोगों को लंबा सफर करना पड़ सकता है जो काफी दौड़ भाग भरा होगा लेकिन साथ ही बहुत फायदेमंद भी साबित होगा। लगता है कि आपका जीवन साथी आज बहुत खुश है। आपको सिर्फ वैवाहिक जीवन से जुड़े उसकी योजनाओं में मदद करने की जरूरत है। सावधानियां। कभी भी वार्तालाप करते समय किसी के खिलाफ नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। बेहतर होगा कि व्यर्थ की गॉसिप से दूर रहें।
पारिवारिक गतिविधियों में अपना योगदान न देने की वजह से परिवारजनों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने दोस्तों और पड़ोसियों का समर्थन करें, उन्हें अभी आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। किसी क्लास या प्रशिक्षण में नामांकन की वजह से आपके करियर में दिलचस्प संभावनाएं होगी। आज आपके विचार घर के मामलों की तरफ ही घूमेंगे। सुरक्षित और सुखद महसूस करने के लिए पुरानी यादों और भावनाओं पर एक नज़र डालें। भविष्य के लिए एक स्थायी नींव बनाने के बारे में सोचेंगे और दीर्घकालीन योजनाएं बनाना जीवन में ज़्यादा रिश्ते और दीर्घकालीन योजना बनाएंगे। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। परिवार का महत्व आपसे कोई और अधिक नहीं जानता, क्योंकि परिवार ही आपके लिए सब कुछ है। ऐसे में किसी खास के लिए समय निकाले और उन्हें प्रभावित करने के लिए कोई भी कसर ना छोड़े। सहयोगी और पड़ोसियों से विवाद से बचें। घरेलू मामले आज आपकी प्राथमिकता सूची में पहले स्थान पर है। अब आप अपनी लव लाइफ की नींव को और भी मजबूत करना चाहेंगे। कुछ समय निकाल कर अपने भविष्य के बारे में भी सोच विचार करें। याद रखें कि हमारे दुख सुख का एक बड़ा हिस्सा हमारे स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आज आप और आपके पार्टनर दोनों ही कोई फैसला करने के मूड में दिखाई दे रही हैं। संभावना है कि आज आप बैठकर आराम से अपनी इस संबंध के फायदे और नुकसान की सूची बनाकर यह तय करें कि आपको इसे आगे बढ़ाना है या नहीं। इस सारी लिखा पढ़ी में ऐसा हो सकता है कि आप या तो अपनी भावनाओं को कम महत्व दें या बिल्कुल ना दें। बात करते हैं करियर की। दिन की शुरुआत में ही अपने सभी कार्य खत्म करने की कोशिश करें। आपको दिन के उत्तरार्ध में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। किसी भी क्रय या विक्रय में सावधानी बरतें, अन्यथा आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। आपको अपनी इच्छा शक्ति पर एक मजबूत नियंत्रण करना होगा, ताकि आप अपने खर्चों को संतुलित कर पाएं। आज आप अपने रोजाना के शेड्यूल से समय निकालकर भाई बहन की परेशानियों या पड़ोसियों की समस्याएं सुलझाने के लिए समय निकालेंगे। कला लेखन विश्लेषण के क्षेत्र में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, इसीलिए इस ओर अधिक ध्यान दें। आज चिंता से बचें और अपना पूरा ध्यान अपने काम की ओर लगाएं। अपने कार्यालय पर आपने जो पहचान बनाई है, इससे आपका बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा। आपकी विशेषज्ञता आपको आपके कार्य स्थल में एक विशिष्ट स्थान और प्रतिष्ठा देगी। आप प्रगति, उपलब्धि और विलासशीलता का अनुभव कर सकते हैं। अवसरों का सही उपयोग करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह एक अच्छा समय है। बिजनेस कागजात पूरे और संभाल कर रखें। लेन देन में सावधानी रखने की जरूरत है। जुआ सट्टा जैसे गलत कार्यों में रुचि लेने से नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। बात करते हैं सेहत की। आज आप मूड में जबरदस्त बदलाव महसूस करेंगे। आप एक पल काफी ऊर्जावान और दूसरे ही पल तनावग्रस्त महसूस कर सकती हैं। वैसे इन सब का संबंध आपके जीवन में हो रही घटनाओं से अधिक आपके खाने और आपकी शारीरिक क्रियाकलापों से है। आप अपने आहार के बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकती हैं। इस सलाह से आपको अपनी जीवन शैली को बदलने और अपनी अचानक मूड परिवर्तन को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। आज का उपाय, आज अब गरीबों को चावल का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।